अच्छे राह पे चलने पर लोग कमेंट करते हैं, कई तरह की बातें करते हैं। बुरे रास्ते पे चलने वालों को कोई कुछ नहीं कहता, और कहेगा भी तो आप सुनेंगे क्या? किसी ने आपको कहा भी तो आप मानते कहाँ हैं? हैं? मान लीजिए आप बुरे रास्ते पे चल रहे हैं, कोई आपको कहे तो आप मान जाइएगा? कहाँ मानता है, करते रहता है। वहाँ तो नहीं कोई आके हमको कहता है, साहब हम बुरे रास्ते पे चल रहे थे, हम बहुत सारा गलत सब काम कर रहे थे, लड़की को छेड़ रहे थे, हमको लोगों ने समझाया, हम समझ लिए। माने बुराई के रास्ते पे चलेंगे, कोई कुछ भी कहेगा तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन अच्छाई के रास्ते पे अगर हम चलेंगे, कोई समझाएगा तो हम तुरंत समझ लेंगे और कहेंगे यही ठीक कह रहा है। चूँकि हमारे अंदर अच्छाई पनपने ही नहीं दिया जाता है। अब रही बाबा की बात, साहब देखो बाबा इन दिनों बनना सौभाग्य की बात है। अगर आप बाबा आपको कोई कहता है तो भगवान को धन्यवाद दो। पूछोगे क्यों? साहब हमको एक भी व्यक्ति ऐसा बताइए, अभी देखिए बाबा रामदेव 10,000 करोड़ बाबा कहलाए तब तो बने योगी जी बाबा। मोदी जी जिस समय संघ कार्यालय में बहुत छोटे कार्यकर्ता थे, जैसे युवा मंडल में भी छोटे कार्यकर्ता से लोग आगे बढ़ते, तो मोदी जी जिस समय संघ कार्यालय में बहुत छोटे कार्यकर्ता थे, लोगों का कपड़ा धोने का काम करते थे, चाय पिलाने का काम वहाँ भी मोदी जी करते थे, उस समय मोदी जी चूँकि शुरू से थोड़ा सा ध्यानवान करते थे और थोड़ा संत प्रकृति का नेचर था, तो लोग उनको क्या कहता था? बाबा कहता था संघ कार्यालय में। ये बाबा चाय लाओ, ए बाबा कपड़ा धो। तो देखो बाबा कहा तो प्रधानमंत्री बन गया, बाबा कहा तो रामदेव बाबा बन गया, बाबा हुए तो योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, और आपको कोई बाबा नहीं कर रहा है तो आप टोटी खोल के बैठे हुए हो, आप लावा हो। बाबा या लावा दो ही सेक्टर है, इसलिए हम अगर कोई आपको बाबा कहता है तो ये स्वाभिमान की बात है। हमारा देश तो शुरू से बाबाओं का देश रहा है, स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया को हिला के रख दिए, आप तो अपने आप को भी नहीं हिला रहे हो, अपने हिल रहे, अपने हिल रहे। हम तैयारी कर रहे हैं, करो ना, कौन रोक रहा? नहीं हो रहा, नहीं होगा, नहीं होगा, वो भ्रम पाले रहो, माफ करना। इन दिनों बीमारी कई तरह से डेवलप हुआ है, डॉक्टर भी बहुत हो गए, हॉस्पिटल भी बहुत बन रहा है, रोज हॉस्पिटल बन रहा है, जैसे पान का गुमती उसी तरह हॉस्पिटल। बाईपास पर चले जाइएगा, हमको लगता है ये बस स्टैंड से लेके और बाईपास तक कम से कम 200 हॉस्पिटल है, उतना डॉक्टर कहाँ से आता है पता नहीं, डॉक्टर कहाँ से। और सब हॉस्पिटल में बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाए हुए हैं, तो वहाँ डॉक्टर कौन है? तो नर्स है, कंपाउंडर वही चला रहा है, डॉक्टर का बोर्ड लगा रहता है, बीमारी ठीक हो रहा है। लेकिन कई तरह की बीमारी है जो डॉक्टर के बूते की बात नहीं है। और मान लीजिए कोई आपका मित्र है, वो तिक्रमी हो गया, तिक्रम की बीमारी पकड़ लिया उसको, बड़ा तिक्रम करता है यार, बड़ा तिक्रम। अब ये तिक्रम से आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आप किसी डॉक्टर के पास जाइए और कहे डॉक्टर साहब तिक्रमी है, इसका इलाज करिए। कोई धूर्त है, बहुत धूर्त, वो हमेशा आँख नचाते रहता है, चौकन्ना रहेगा, तो आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, कहिए डॉक्टर साहब ये बहुत धूर्तई करता है, ये इसका इलाज? नहीं इलाज ऐसा। इसी तरह मनुष्य के जीवन में जो बहुत सारे चीज ऐसे पनप गए हैं जिनका इलाज आज साइंस के पास नहीं, हम जन्मजात चोर हैं, जन्मजात चोर, क्या बात करते हैं? हम तो ईमानदार हैं, स्टूडेंट हैं, मौका नहीं मिला, मौका मिलता तो आप बाज आते हैं क्या? टिकट चुराने का मौका मिलता है जब रेलवे में बिना टिकट यात्रा, तो टीटी से कन्नी कटा के निकल जाते हैं। हमारे युवा मंडल में एक फतुहा से लड़का आता था, हर रविवार को आता था, ट्रेन से आता था, तो एक दिन सबको माइक पर बुला के पूछा जा रहा था आपको यहाँ आने से क्या क्या लाभ मिला, तो सब अपना अपना लाभ बता रहा था, जैसे भैया बताए होंगे अभी परविंदर जी, ये लाभ मिला वो लाभ मिला। तो उसकी भी बारी आई जो फतुहा वाला लड़का था, वो भी माइक पर आया, उससे भी पूछा गया आपको क्या लाभ मिला, कहा भैया बहुत लाभ मिला। क्या लाभ मिला? पहले जब ट्रेन में चलते थे
तो टीटी सबसे पहले मेरे ही पास आ जाता था। अब जब चलते हैं तो टीटी हमारे पास नहीं आता है, मतलब बिना टिकट आते जाते हैं। हमने कहा ये लाभ अभी तो बता दिए, भविष्य में ये लाभ दूसरे को मत बताना। ये साहब चोरी करते हो, दूसरा कहेगा वाह गायत्री जपने से बड़ा फायदा हुआ, चोरी का लेवल बढ़ गया। माफ करिएगा, धर्म अध्यात्म का सीधा सीधा मतलब है अपने अंदर के कुरूतियों को, बीमारियों को ठीक करना। हम सबके अंदर बीमारी है। एक बीमारी जो शरीर में उपजता है इसका इलाज तो मेडिकल साइंस के पास है, लेकिन एक बीमारी जो हमारे मन में उपजता है, और ये बीमारी आप कहोगे कि ये बीमारी आपको इतना प्रॉब्लम में क्रिएट कर रहा है कि वो बीमारी आपको कई तरह का बीमारी रियल में पैदा कर रहा है। अगर आप तनाव करोगे, टेंशन में रहोगे, ज़्यादा धूर्त रहने वाला आदमी हमेशा मानसिक रूप से क्या रहेगा, परेशान रहेगा। क्यों? वो हमेशा धूर्तई के फेरा में है, चालाकी के फेरा में। ये साहब ठीक करने का उपाय क्या है, मेथड क्या है, कैसे हम अपने धूर्तई को ठीक कर सकते हैं? तो चालाकी को, चालाक अच्छा है, समझदार, समझदारी होनी चाहिए हमारे पास, समझदार आदमी। इसलिए अध्यात्म इसी का नाम है। अध्यात्म का सीधा सीधा मतलब है अपने को अच्छा बनाना। ये जो आप यहाँ बैठे हो, गुरुजी कहते थे बेटा हम एक ऐसा फैक्ट्री लगाना चाहते हैं जहाँ मनुष्य का निर्माण हो, मनुष्य का निर्माण हो, मनुष्य का निर्माण। आप कहोगे हम मनुष्य हैं? नहीं, दिख तो रहे हैं कि आप मनुष्य ही हैं, चेहरा वही है, आकृति तो मनुष्य वाला है, लेकिन आपके अंदर न जाने क्या क्या चीज भरा हुआ है, कौन कौन से सदगुण भरे हुए हैं। मौका मिलते अभी आप क्या कर डालोगे पता नहीं, फेसबुक पर तो आप कर ही रहे हो। माफ करिएगा, इस तरह के प्रकृति के लोग अगर विकसित होते चले जाएंगे तो उनका क्या हो जाएगा, उनकी स्थिति क्या हो जाएगी। हमारे बिहार में भांति भांति के जीव जंतु पाए जाते हैं, खासकर लॉज में, हॉस्टल में जाइएगा, एक से एक वैरायटी का जंतु देखिएगा। ऐसा जीव जंतु शायद दूसरे स्टेट में नहीं पाया जाए, दुर्लभ प्रजाति का जीव जंतु बिहार में पाया जाता है। उसके पूछिएगा ये दुर्लभ प्रजाति के जो जीव जंतु होते हैं वो किस तरह, अरे बड़े उस्ताद होते हैं ये, इनसे जब आप बात करोगे तो लगे बड़ा स्टैंडर्ड का आदमी है ये, बड़ा स्टैंडर्डाइज है ये, स्टैंडर्डाइज। लेकिन वो जो जीव जंतु है दिखता तो स्टैंडर्डाइज वाला चीज है, लेकिन उसके भीतर जितने तरह के कुकर्म है सब व्याप्त हैं। अब इनका इलाज कौन करेगा, इनका ट्रीटमेंट कौन करेगा? अगर इनका ट्रीटमेंट, ये छूत की बीमारी है, लोग कहते हैं कैंसर से छूत होता है, टीबी से छूत छूत पकड़ता है, लेकिन ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, ये अनजाने में एक दूसरे को छुआ छूत की तरह पकड़ाता है। हम देखे थे, तू हो देखेगा, तनके देख, झटका देखिए। अब वो क्या किया, आपको एक बीमारी छूत छूत पकड़ा दिया। अब आप पीछे में सोचोगे वो जो पकड़ाया, अच्छा वो दिखाया था, मिलता कहाँ है? अब आप माइंड से खोजोगे कहाँ मिलता, ये सब आजकल हर जगह अवेलेबल है। फिर आप देखना शुरू किए, देखना वो देखेंगे तो फिर क्रिया रूप में मन होगा ना, अब क्रिया रूप, फिर क्रिया रूप से आपका मन डैमेज, शरीर डैमेज, स्वास्थ्य डैमेज, चिंतन डैमेज। अब फिर आपसे बुला के पूछेंगे क्या बनोगे, जनरल, सब बर्बाद करके तुम जनरल बन रहे हो, पीओ बन रहे हो। तो ये सब पहाड़ा बिहार में सिखाया जाता है, पहाड़ा पहाड़ा दुक्का दू दू दुनी चार द्वितीया छो, उसी तरह पीओ, जनरल, टीटी, डी ग्रुप, ये सब पहाड़ा है। अब ये पहाड़ा आप पढ़ते रहो पहाड़ा, कितना साल पढ़ोगे, हम भी देखते हैं। माफ करिएगा, बनाना पड़ेगा। हम बार बार एक बात कहते हैं कि भारत का विकास अगर मोदी जी सही से चाहते हैं तो क्या करना होगा, मेकिंग इंडिया नहीं, मेकिंग यूथ, युवा बनाओ आंदोलन। अभी युवा भांति भांति का है, ये सब देखिएगा, बाल उल का एगो क्या मिलता है इसमें लगा लेता है, एकदम ऐसे रखेगा, ऐसे रखेगा, ऐसे इसको ऐसे गिरा देगा, आधा आधा को ऐसे रखेगा, ये क्या है? तब तो तुम नाच पार्टी में चले जाओ, बढ़िया बढ़िया करतब दिखाओ। देखो भाई, नाचने के भी गाने के भी इन दिनों बड़े डिमांड हैं, अगर वो भी सीख लो तो एक बेरोजगारी दूर कर सकते हो, वो खराब सेक्टर नहीं है। अभी कौन इंडिया में आ रहा है, हैं हम तो नामों नहीं जान, हैं उसके सुरक्षा के लिए जेड श्रेणी, दो हेलीकॉप्टर, एकदम लड़का है बेचारा, वो कितना साल उम्र है भगवान जान, एकदम यू 23 साल, आप 23 साल, कम से कम वो सीख लेते
तो हम लोग कहते देखो बिहार से भी एगो बीबर पैदा हो गया भाई, है देखो दूगो बीबर की बीबार कौन से नाम है कहता वो होता, वो नहीं खाली स्टाइल, बाल को ऐसे चबूतरा को ऐसे मोड़ेगा, ये मोच को ऐसे रखेगा, या सरपट इसको साफ कर दीजिए, कुछ रहबे नहीं करे झालमुढ़ी बजाओ। माने हम जो कहे विचित्र किस्म के जीव जंतु, ये विचित्र विचित्र किस्म के जीव जंतु हैं, इनको पता ही नहीं कि हम क्या हैं, वो अपने आप में सोच रहा है हम सब कुछ हैं। बेवकूफ आदमी, समझो तुम कौन हो, अपना अपने पावर को समझो, अपनी ताकत को समझो, यही अध्यात्म का उद्देश्य है, अपने को समझना। अपना वैल्यू व्यक्ति स्वयं बनाता है, जींस पैंट से वैल्यू बनता है नहीं साहब, जींस पैंट से वैल्यू नहीं बनता, अपना व्यक्तित्व तो बनाना पड़ता है। इसके लिए अध्यात्म की आवश्यकता है, अच्छे विचार की आवश्यकता है, विश्वास करना चाहिए, फेथ। विश्वास किसको कहते हैं, आदमी इन दिनों 90% अविश्वास में जी रहा है, अविश्वास में जी रहा है। विश्वास, अभी विदेश में एक हीलिंग चलाया गया, हीलिंग समझते हैं आप लोग, झाड़ फूंक। पहले अपने देश में क्या होता था, किसी को सांप काट लेता था गांव देहात में तो कहां जाता था, ऐ जाओ झड़वा दीजिए इसको, ठीक भी हो जाता था झाड़ने से। अब तो न जाने ठीक होता है कि नहीं पता नहीं। तो विदेशी लोगों ने हमें क्या सिखाया, साहब ये पागल हैं, ये झाड़ फूंक में विश्वास करते हैं, ठीक साहब हम पागल हैं। अभी ब्रिटेन में, कनाडा में, जापान में, जर्मनी में जिसको हम झाड़ फूंक कहते थे उसका नाम क्या दिया है, फेथ हीलिंग। फेथ हीलिंग, जैसे आप बीमार पड़ गए तो वहां बड़ा बड़ा सेंटर बना हुआ है, बड़ा बड़ा सेंटर बना हुआ है, वहां आपका एंट्री होता है, वहां लिटा दिया गया और उधर से जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो आते हैं, वो एक टेक्निक विशेष से आपके शरीर पर ऐसे हाथ फेरते हुए कहते हैं आप विश्वास करो, आप ठीक हो रहे हो, आप माने झाड़ फूंक को थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर दिया, पैकिंग कर दिया गया और उसका जो आउटपुट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, वो इतना बेहतर रिजल्ट आ रहा है। अब उस फेथ हीलिंग में क्या हो रहा है, विश्वास करा के उसकी बीमारी को, विश्वास में बड़ी ताकत है, विश्वास में बड़ी ताकत है। अगर इंसान के जीवन में विपरीत स्थिति में भी विश्वास मजबूत हो तो अपने जीवन को वो सब प्राप्त कर लेगा जिसको वो प्राप्त करना चाहता है। और अगर सब कुछ आपको मिल गया, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो जो मिला है वो भी खा पी के। कई लोग गांव देहात में अभी ऐसे मिल जाएंगे जिनके बाप दादा ने 100 बीघा जमीन छोड़ के मरे थे, कहानी पता लगाइएगा तो कहेगा हमारा बाबा 100 बीघा के मालिक, गेलो कहा, सब लिखा गया, रजिस्ट्री हो गया, क्यों दिया तो रखने नहीं आया तो आप क्या हो गए। इसलिए पात्र पात्र होना चाहिए, कुपात्र को अगर कुछ मिल भी गया तो कुपात्र जीवन में कभी आनंद नहीं मना सकता है। इसलिए पात्र बनने का कोशिश करिए, मजा लेना। आने वाला समय बहुत धनवानों का नहीं रहने वाला है, नोट कर लीजिए, आप डायरी में नोट कर लीजिए, कहिएगा कि कोई कहा था आने वाला समय धनी लोगों का नहीं रहेगा। क्या बात करते हैं, किसी जमाने में किसी ने कहा कि जमींदार नहीं रहेंगे, जमींदारों को समझाया गया आजादी के बाद कि जमीन कम कर लो, जमींदार कहे हम क्यों कम करें, हमारा बाप का है। क्या हुआ, किनको किनको पता है, 1965 से 70 के बीच में जमींदारों के साथ क्या हुआ, किनको किनको पता है, कौन सा एक्ट लगा दिया गया जिसमें जमीन इतना ही रखना है, कौन एक्ट था वो, सीलिंग, सीलिंग कर दिया गया कि एक परिवार को इससे ज्यादा जमीन नहीं रखना है। और बड़े बड़े जमींदार जो 500-500 बीघा, 1-1 हजार, 2-2 हजार बीघे के मालिक थे, वो जल्दी कोई फुआ के नाम है, कोई चचा के नाम है, कोई मामू के नाम है, कोई नौकर चाकर के नाम से। आने वाले समय में धन इक्वल होगा, क्या बात करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये समय आ रहा है बहुत तेजी से। 2 नंबर कमाने वाले लोग दिखने को भी नहीं मिलेंगे, खोजना पड़ेगा कहां गए वो जीव जंतु,
पूछिएगा क्यों, दो नंबर का कमाई बंद हो जाएगा। अब देख लीजिए खेला, आपको नहीं पता है, बैंक में अकाउंट एक ही को खोल सकते हैं, सिंगल, उसको आधार नंबर से जोड़ा जा रहा है, आधार नंबर से। बैंक में पैसा डाले 5 लाख, तुरंत इनकम टैक्स वाले को इमीडिएट सबका सिस्टम से जोड़ दिया गया है, कंप्यूटराइज नेटवर्किंग। हाँ भैया आइए। कहाँ से अब आपको बुद्धि नहीं सूझ रहा है। चलिए भैया इनको लीजिए, तो अंदर लीजिए इनको, इनका खाता सील करिए। ये मजाक नहीं है, शुरू हो चुका है। 2020 तक मैं कह रहा हूँ भारत दुनिया को रास्ता दिखाने वाला राष्ट्र बन जाएगा। 2020 तक आपको सादा भोजन करना पड़ेगा, सादा भोजन, उच्च विचार। भारत का जो फार्मूला है वो आने वाले दिनों में पूरे दुनिया ये टेक्नोलॉजी सीखने कहाँ आएगी। भारत भैया हमको भी सिखा दीजिए, बिना शराब के भी व्यक्ति रह सकता है क्या? हाँ रह सकता है, कैसे, आइए ना। अच्छा बिना शराब बेचे भी इनकम हो सकता है क्या? हाँ साहब हो सकता है। कहाँ सीखना पड़ेगा? बिहार में जाके सीखिए, देखिए इनकम बिहार का घटा नहीं है। अभी परसों तरसों विजेंद्र यादव जो ऊर्जा मंत्री हैं रिपोर्ट दे रहे थे कि 5,000 करोड़ जो शराबबंदी से नुकसान हुआ था, दूसरे सेक्टर में 8,000 करोड़ उससे फायदा हुआ है शराबबंदी के बाद। आप समझिए, आप सिर्फ निगेटिव चीज में जाना चाहते हैं। आज के यंग जनरेशन को समझना होगा, नहीं समझिएगा तो इसी तरह झाल बजाते लौज में आ कोचिंग जाते आ टी शर्ट आ एक्सीडेंटल जींस पहन ले घूमते रह जाइएगा। समझिए, इसलिए हम लोग तो खुश हैं, हम लोग तो बाबा हो गए, काहे को चिंता लेना। हमरा तो खतो बही नहीं है एको को, जैसे रामदेव बाबा कहते हैं कि हमरा एको को खाता नहीं है हमरे नाम से। मैं भी आज आपको बता दे रहा हूँ, मेरे नाम से बैंक में अकाउंट है ये नहीं है। बिना एक क्या बात करते हैं साहब, क्या बात करें, सही बोल रहे हैं, पता लगा लीजिए। इसलिए आने वाला समय में रोटी दाल सब्जी खाओ, प्रभु का गुण गाओ, सब लोग मिलजुल के रहो, एक दूसरे के सुख और दुख में जाओ, यही दुनिया आपसे सीखेगी और आपको रहबे नहीं करेगा। ये आपसे सीखने आएगी पूरे विश्व के लोग 2020। आप क्या जाने, हमको कभी कभी मन करता है कि भारत सरकार शिक्षा पर इतना खर्च कर रही है, बिहार सरकार भी, कुछ पैसा इन कबूतरों के लिए भी लगाए और इन कबूतरों को हवाई जहाज में बैठा के थोड़ा सिंगापुर थोड़ा जर्मनी घुमा के लाए और इनको बताए इस यंगस्टर को कि देखो। अभी हमारे भाई मनीष जी से परसों बातचीत हो रही थी, जो अभी दिल्ली में हैं, वो जर्मनी गए थे, कहे भैया जर्मनी जो गए, जर्मनी में 20 दिन हम रहे, मनीष जी बता रहे थे, और 20 दिन में जो हमने जर्मनी में देखा कि साहब वहाँ योग के प्रति आयुर्वेद के प्रति इतने तेजी से लोगों का रुझान बढ़ रहा है कि हर गली में हर नुक्कड़ पर योगा सेंटर आयुर्वेदा सेंटर। योग क्या है वहां? योगा आयुर्वेद, आयुर्वेदा आपका वेद, वेदा डिमांड हो रहा है, लोग सीखना चाह रहा है, शांति चाहिए शांति चाहिए। आपको क्या चाहिए? उसको माल की कमी नहीं है, माल तो अफरात है। आप पूछेगा सेक्स, सेक्स गुलगुला रहा होगा मन, ओपन थक गया है नहीं, सब आ रहा है योग सीखने। आप कह रहे हो नहीं हम योग नहीं, हमको भोग सिखाइए। दुनिया भारत से योग सीखना चाह रही है, अपने से जोड़ने का नाम क्या है? अपने आप से जुड़ने का नाम योग है। आप सबसे जुड़ जाना चाहते हो, फेसबुक से, उसके बाद जानू से, सब से, लेकिन अपने आप से नहीं जुड़ते हो, इसलिए दिन भर परेशान रहते हो, पढ़ने में मन कैसे लग। तो इसलिए योग के विधि से स्वयं से जुड़िए, जब स्वयं से जुड़ जाइएगा तो आपको पढ़ने में रिजल्ट बढ़िया आएगा। आप भी DRDA में जाइएगा, बड़े बड़े जगहों पे जाइएगा, यहाँ खाली जाल बजाबो
बाबू से पैसा ले लो, कोचिंग में एडमिशन करे लो, टीटी या सीटी या फिटी, ये सब देखिए खेला बंद कीजिए। 2020 के बाद अभी जो सिलेबस में हमर लैकन सब रह रहा है, बाजार समिति मुसल्ला पूरी सिलेबस बंद होने वाला है। जीवन का सिलेबस बदलने वाला है। आप पहले बदल लो सुखी रहोगे, बाद में तो सबको बदलना है, हैं? जिन जमींदारों ने गांधी की बात को मान लिया कि हम पहले बदलेंगे, उस समय थोड़ा उनको कष्ट हुआ, उनको अंग्रेज के नजर में क्या हुए, वो जो पहले गांधी के साथ जमींदार सट गए, वो अंग्रेज के नजर में क्या हुए, दिखार हो गए, अंग्रेज उनको नजर पर चढ़ा लिया, ये सट गया है, उसको नकेल टाइट किया। लेकिन बाद में जो सटे हुए थे जमींदार, एक एक जमींदार कहीं के मुख्यमंत्री बन गए, कहीं बड़े बड़े पद पर चले गए। बिहार का पहला मुख्यमंत्री बहुत बड़े जमींदार परिवार से, यही शेखपुरा बड़बीघा के बहुत बड़े जमींदार परिवार से, और गांधी की आवाज में वो आवाज लगा के जमींदारी को लात मार दिया। और जब वो सट गए तो जमींदारों उन अंग्रेज के नजर में चढ़ गए, लेकिन जो शुरू में नजर पर चढ़ा वो क्या बन गया, जो उस समय मलाई मारा नैरे मिलके रहा, तू हो देख हमू देखियो, चोर चोर, उनका हाल क्या हुआ। आज चलिए, कई जमींदार इसी बिहार में ऐसे हैं जिनके दरवाजा पर कुत्ता भी नहीं भूकता है, कुत्ता भी कहता है भूकने से फायदा नहीं है, इसको अपने लिए है ये नहीं है, हमको क्या खिलाएगा। समय बड़ा बलवान रे भाई। मैं निवेदन करता हूँ, किसी जमाने में सैदपुर हॉस्टल खाली इतने काफी था, ब्रांड था, ब्रांड जैसे ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड जूता आप लोग पहनते हो, हम लोग के जमाने में वो ब्रांड हुआ करता था। अगर कहीं कहते थे तो गर्व से कहते थे, कहाँ रहे ही रे सैदपुर। आप क्या कहिएगा, बंद हो गए नहीं चले रे। इसलिए पहले सिखा रहे हैं, ये सब दाढ़ी उढ़ी मुरैला से कुछ ना हो तो वो लाइन टोका जाना झाल बजाव ना, ढेरों रोड पर घूम रहा है, लाइन दे ही फ्री में लाइन दे ही, आई नहीं, माफ करिएगा, आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हो, देख के मन गदगद हो जाता है। इसलिए भाई अध्यात्म से जुड़ो, आने वाला जमाना किसका है, अध्यात्म का है। नेता लोग भी बड़े तेज हो रहे हैं, इसलिए जनता को भी तेज होना पड़ेगा। आप लोग को हम इतना समझाते हैं, समझ में आता है ना, तीसरा आंख आपका खोलते हैं हम। देखिए अभी हमारे बिहार के कई अच्छे राजनेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। पिछले दिनों एक डिमांड आया पेपर में, हमने पढ़ा कि 3 शंकराचार्य को दलित बना दिया जाए, दलित वर्ग से बनाया जाए। मैं भी इसका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं भाई, हमारे गायत्री परिवार में तो जात पात कब का समाप्त हो गया है। यहाँ जो पूजा कराते हैं मंदिर में, वो पंडित प्रजाति के व्यक्ति नहीं होते, वो कोई भी हो सकता है, यादव, कुर्मी, कोयरी, धानुक, दलित, आदिवासी सब पूजा कराता है। हमारे राजनेता को कभी पूछिएगा जाके कि गायत्री मंदिर से पूजा करा, खूब पूजा पाठ होता है उनके यहाँ, अभिषेक चलता है, जो 3 शंकराचार्य का डिमांड किए हैं, लेकिन कहां से पंडित बुलाते हैं पता है, बनारस से। जब अपना जरूरत पड़ता है तो बनारस के ओरिजिनल जाति वाला पंडित आता है, वो गायत्री वाला पंडित से पूजा नहीं कराएंगे, नहीं नहीं ये वाला नहीं, सब मिक्सिंग है। तो साहब एक तरफ आप डिमांड कर रहे हो और दूसरे तरफ हमारे पंडित से आप पूजा क्यों नहीं कराओगे, कराओ गायत्री मंदिर के पंडित से पूजा। ये सब दो तरफा खेल नहीं चलेगा, पूजा आपको हमारे पंडित से कराना होगा। हमारे यहाँ जाति प्रथा समाप्त कर दिया गया है, आध्यात्मिक समाजवाद आ गया। ये साहब सब लोग, एक तरफ लोग राम का नाम लेते हैं, मैं सब पर वार करूंगा आज, घबराइए मत। दूसरे वर्ग जो सोच रहे होंगे कि आज डायरेक्ट लगता, नहीं नहीं सब एक वर्ग जो, हमको क्या लेना देना किसी से जी, एक वर्ग जो राम का नाम लेते हैं, राम 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 राम, साहब बताइए जब उनका पार्टी, जो राम का नाम ले रहे हैं खबर कर दीजिएगा, उनका जब पार्टी होता है, फंक्शन होता है, तो 3-3 क्विंटल मुर्गा बनता है, मुर्गा बलि प्राप्त करता है बेचारा,
तीन राम वैष्णव थे, एक तरफ आप राम का नाम ले रहे हो, दूसरे तरफ मुर्गा का टांग तोड़ रहे हो, ये दो रंग का नीति नहीं चलेगा, आप भी बदलो, आप भी बदलो। तीसरे वाले भी बड़े होशियार हैं, सब होशियार हैं, एक कहते हैं हम दलित के नेता हैं, दलित अंबेडकर जी का नाम लिया जाता है, हम तो इस बार चूक गए, गायत्री परिवार ये सब भी काम करेगा, अगले बार अंबेडकर जयंती धूमधाम से हम लोग मनाएंगे, और अंबेडकर जी ने अपने जीवन में उस जमाने में उस मुकाम को कैसे हासिल किया ये हमारे युवाओं को पता होना चाहिए। खाली फोटो पर मल्ला चढ़ा दो, उसके नाम पर दलित के नाम पर कितना करोड़ के मलकीनी, तो 2000 करोड़, बाप रे बाप। अब बेचारा जो दलित मुसहर आज भी बिहार में है, चलिए चलिए जिस गांव से हमारे मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे उस गांव का मैं दौरा करने गया, उस गांव में आज भी वो मुसहर प्रजाति का व्यक्ति चूहा पकड़ के खा रहा है, उसके नाम पर आप वोट बन के राजा बन गए, दामाद बेटा नाती नतिन दामाद, वो चूहा पकड़ते रह गया। ये सब भी खेल कौन बंद करेगा, गायत्री को वहां भी पहुंचाना होगा, वो सब भी जब समझदार हो जाएगा और अगला आएगा कि हम तोहर वाला, तो वह कहेगा तू हमर वाला, तो दामाद के हटा के हमरा बने भो, नहीं वो नहीं, तो चलिए रास्ता ना पिए, तो ये समझदारी आना चाहिए। बुर्बक बना बना के जात पात के नाम पर खेला जो मचाए हुए हैं इनका दुकान बंद करना होगा। एक दल ऐसा बने हिंदुस्तान में जो चुनाव न लड़े, मैं साफ साफ कहता हूं, जैसे अभी एक अधिकार मिला है ना चुनाव में, क्या मिला है, अगर आपको कोई पसंद नहीं हो तो कौन बटन दबा दीजिए, हमको ये पसंद नहीं है वो वाला टोटा बटन दबा दीजिए। हम कहते हैं सब यहां चुनाव लड़ रहा है सब दल, एक दल ऐसा बने जो चुनाव नहीं लड़े लेकिन चुनाव लड़ने वाले तमाम लोगों का हिस्ट्री ज्योग्राफी जनता के बीच चुनाव के समय इसी तरह आंदोलन खड़ा करके लाता रहे, कितने का दुकान बंद हो जाएगा साहब, ये क्या खेला था? ऐसा दल और युवा प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ भविष्य में राजनीति में तो नहीं जाएगा लेकिन राजनीति का नकेल टाइट कर देगा, ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं, आप देख लें, देख लेना। ये गड़बड़ा दिया केजरीवाल जी, नहीं तो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, पूरा देश यूनाइट हो गया था, हम लोग भी रोड पर उतर गए थे, भ्रष्टाचार, लेकिन वहां तो दुए साल में लोभ पचा नहीं, अब लपलपा के दोनों तीनों सब जाके है देखिए बन गया, और क्या हाल है सो देखिए रहे, इसलिए